हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल टेक हेल्थ में। दोस्तों आज बात करेंगे डर्मीफॉड क्रीम के बारे में, पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। तो अगर आपको यह डर्मीफॉड क्रीम के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि छोटी सी आकर्षक कैटन यानी छोटी सी व्हाइट कलर और ग्रीन कलर की कैटन देख रहे हैं जिसमें डर्मीफॉड क्रीम है, और ये कंपनी के द्वारा बहुत ही अच्छी पैकिंग की गई है। सेफ पैकिंग है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सेफ पैकिंग की गई है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी के द्वारा पैकिंग भी की है। बहुत कम दामों में बहुत ही इसका रिजल्ट भी अच्छी होती है। जैसे कि मैं इसका बात करूंगा, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, और इसका MRP क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसका जैसे कि मैन्युफैक्चर डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। तो चलिए मैं पहले आपको इसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट के बारे तरफ ले जाते हैं। तो जैसे कि इसका आप मैन्युफैक्चर डेट देख सकते हैं 9/2018 है और एक्सपायरी डेट 8/2020 है। और इसका कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये 75 रुपये की 75 रुपीस की आ जाती है। जैसे कि ये ट्यूब 15 ग्राम का ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं 15 ग्राम का ट्यूब है और बहुत ही अच्छी कंपनी के द्वारा पैकिंग भी की गई है। और इसमें मैं बात करूँगा जैसे कि ये कौन सी कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है, और इसका ये जैसे कि लिपफॉर्ड हेल्थ केयर LTD के बनाए हुए प्रोडक्ट है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। और एक बात का ध्यान दें, जैसे कि ये कंपनी की तरफ से बहुत वार्निंग दी गई, जैसे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली दिया गया है। इसका इस्तेमाल जैसे कि आप बाहरी हिस्सों के लिए नहीं कर सकते हैं, ये यानी सॉरी बाहरी हिस्सों के लिए कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आंतरिक हिस्सों के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप बाहरी हिस्सों के लिए करें, इसका इस्तेमाल आंतरिक हिस्सों के लिए नहीं करें, नहीं तो आपको हानिकारक हो सकता है। और मैं बताऊंगा इसके बारे में जैसे कि इसका क्या कंपोजिशन, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, इसका कितने टाइम इस्तेमाल करना है। तो चलिए बताता हूँ। तो जैसे कि और ये लोगो इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल डर्मीफॉड क्रीम खरीदा है, और ये किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पर भी आसानी से उपलब्ध है, आप इसका ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो पहले इसका इस्तेमाल बता दूं, जैसे कि इसका इस्तेमाल त्वचा संक्रमण रोग में किया जाता है और दाद, खाज, फंगल स्किन, उसके बाद जैक इचिंग में भी, मुहासे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छी इसका रिजल्ट होती है। और जैसे कि इसका इस्तेमाल डर्मीफॉड के इस्तेमाल करने के यानी डर्मीफॉड के साइड इफेक्ट में कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आप जिस जगह पे डर्मीफॉड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे अगर आपको त्वचा का पतला होना, इस्तेमाल वाली जगह पर रिएक्शन यानी जलन, खुजली और लालिमा चकत्ता हो जाता है, तो इसके आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ये क्रीम सूट नहीं किया और ये आपको रिजेक्शन कर गया, तो आप फौरन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेंगे। और जैसे कि बता दें हम आपको, इस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले एक बार प्लीज़ डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें, क्योंकि कब किसका कौन सी खून की प्रॉब्लम से भी क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको हालत के अनुसार डॉक्टर बताते हैं कि कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करना है, तो इसका इस्तेमाल अगर आप अपना से कर रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर से सलाह बिल्कुल ले लें। और इसका कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं दिखेगा लेकिन कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और मैं बताऊंगा इसको अनबॉक्सिंग करके कि इस कौन सी कलर में ट्यूब दिखती है और इसके अंदर से कौन सी कलर की क्रीम आती है और इसका स्मेल क्या है, तो पूरी मैं डिटेल्स में जानकारी दूंगा। इसके लिए लास्ट तक वीडियो पर बने रहेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो इसका कंपोजिशन देख सकते हैं, जैसे कैटकोनाजोल है, आयोडोक्लोराइड ड्रॉक्सीक्विनोन है, इसमें टोलेनाइफ्रेट है और जेंटासिन है और कोलबेटा प्रोपोनेट क्रीम दिया गया। जैसे कि इसका कंपोजिशन कंटेंट मैं आपको बताऊंगा, जैसे कोलबेटा यानी कैटकोनाजोल है 2.2% में अवेलेबल है और आयोडोक्लोराइडोक्सीक्विनोन 1% में अवेलेबल है। उसके बाद जेंटासिन सल्फेट है जो 0.10% में अवेलेबल है और कोलबेटा सल्फ्रोबेनेट 0.05% में अवेलेबल है। और ये बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है, ये देख सकते हैं आप, इस पर कंपोजिशन भी दिया गया है और वायरिंग दिया गया है, जैसे कि वायरिंग टू बी सेल्ड रिटेलर ऑन द डायरेक्ट फिजिशियन से सलाह लेने के लिए बोल रहा है। और ये टेम्परेचर यानी अंदर इसका रखे, इसको यानी फ्रीजिंग करने के लिए नहीं आती है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कौन सी कितनी कैसी देखने में अंदर से इसको क्रीम को लगते हैं। इसको मैं अनबॉक्सिंग अभी कर रहा हूँ, तो दिखाते हैं आपको, एक कार्टन है, इसको थोड़ा खोलने में समय लगेगा। जैसे कि ये आती है आप क्रीम, इसको कार्टन को किनारा डाल देते हैं और ये है क्रीम, ये कुछ अंदर से इस प्रकार के देखने में लगती है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैं इसको अंदर से भी दिखा दूंगा कि आपको इसकी कौन कलर की इसमें क्रीम रहती है।
जैसे कि इसको पहले आपको कैप को हटाना होगा, इस कैप को। और इस जैसे कि अगर आप इस क्रीम का परचेज करते हैं तो आप ध्यान दें कि इसकी लॉक यानी लगा हुआ हो इस पर, यानी खुला हुआ ना लेंगे आप। और इसको इस प्रकार से आप ड्रॉप करेंगे, यानी इसको इस प्रकार से खोलेंगे जैसे कि इस अनबॉक्सिंग हो गया। और तो क्रीम कुछ इस प्रकार को अंदर से देखने को मिलेगा। ये जो कुछ अच्छी स्मेल इसकी आती है, कुछ खराब स्मेल इसका नहीं है। तो ये पीला कलर का आता है क्रीम, इसका भी आप लगा सकते हैं। और मैं आपको इसको बताऊंगा जैसे कि एग्जॉर्ब कैसे होता है। ये बहुत जल्दी एग्जॉर्ब हो जाता है आपके यानी स्किन पे, तो दिखाता हूँ। तो अब आपको बताऊंगा कि ये क्रीम देखने में कैसी है और ये कैसे एग्जॉर्ब होता है। तो जैसे कि इस पर आप स्किन पर मैं लगा के आपको बताता हूँ। ये थोड़ा समय ले सकता है और ये बहुत ही जल्दी एग्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि इसको कुछ थोड़ा सा मसाज करना पड़ता है और कुछ इस प्रकार से आपको देखने के मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये जैसे कि ये दाँत खाज खुजली के लिए क्रीम है, ये स्किन पर ना लगाएं। और इस प्रकार से ये थोड़ा चिपचिपाहट टाइप का हो सकता है, तो इसको थोड़ा एग्जॉर्ब होने में समय लगता है। तो इसको आप दांत खाज खुजली में इस्तेमाल करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि ये क्रीम के बारे में आपको भी डिटेल्स में जानकारी मिल सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।